لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے شمیم حیدر مرحوم ابن جناب شمشیر علی مرحوم کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى عزیزان گرامی، یہ دنیا اختلافات سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا میں دو ایسے افراد کا ملنا جو ہر اعتبار سے ہم فکر ہوں، محال تو نہیں کہوں گا لیکن مشکل ضرور ہے. باپ کے خیالات الگ ہیں، بیٹے کے الگ ہیں، ایک بھائی کی پسند کچھ اور ہے، دوسرے بھائی کی پسند کچھ اور ہے. کتنے ہی ایسے حقائق ہیں جنہیں کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. توحید ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. رسول اکرم کا رسول خدا ہونا، خاتم النبیین ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. امیر المومنین کا جانشین برحق ہونا، خلیفہ بلا فصل رسول ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. بہت ساری حقیقتیں اس طرح کی ہیں، ہیں حقیقت حق ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن اختلافات سے بھری ہوئی اس دنیا میں ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے سب مانتے ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، عالم بھی مانتا ہے، جاہل بھی مانتا ہے، غریب بھی مانتا ہے، مالدار بھی مانتا ہے، ہمیشہ سے مانتے رہے ہیں،
और शायद हमेशा मानते रहेंगे। उस हकीकत का नाम है मौत, जो अच्छी तो नहीं लगती मगर आनी है, अच्छी तो नहीं लगती मगर आनी है। जिससे पूछिए कहाँ भाई, एक दिन इस दुनिया से जाना तो है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। खुदा को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं। ये और बात है कि इंसान को अपनी मौत याद नहीं रहती है, भूल जाता है। मानता तो है मगर याद नहीं रहती, क्योंकि अगर याद रहे कि मरना है तो फिर हमारी जिंदगी वैसी न होती जैसी है। जैसी जिंदगी है, जैसा अमल है, वैसा अमल भूल जाते हैं। संयम में 40वें में आते तो हैं, पुलाव खाना याद रहता है, ये भूल जाते हैं कि कल हमारा भी पुलाव खाया जाएगा। वो ये सोचते हैं कि शायद इनका संयम है, इनका 40वां है। देखिए, बाद रस्में हमारे असलाफ ने बहुत सोच समझ के रखी हैं, क्योंकि ये संयम, ये चहारुम या हफ्तुम या दसवां बीसवां छमाही बरसी, ये सब ये कोई शरई हुक्म नहीं है, तो हमारी रस्में हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं। शरीयत नहीं कहा है कि आप मसलन चहलुम मनाएं या छमाही मनाएं, दसवां मनाएं, बीसवां मनाएं। मुश्किल ये होती है कि रस्में खुद कायम किए हैं, उसका हुक्म हमसे पूछते हैं। मौलाना 40वें के लिए क्या 40 दिन शर्त है? तीन पंखी हो जाए तो कोई हरज है? इसका कोई शरीयत से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शरीयत अगर होती तो हर जगह होती। ये रस्में फिर हर जगह होती है, बाद जगहों पर है, बाद जगहों पर। बहरहाल, ये हमारे असलाफ ने कायम की और अच्छी रस्म कायम की, अच्छी रस्म कायम की। बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा कि बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि अगर ये रस्म ना कायम किया होता तो दफन करने के बाद कितने लोग थे जो अपने मुर्दों को याद करते। तो रस्म की वजह से फंस गए हैं ना, संयम तो करना ही करना है, 40वां तो करना ही है, दसवां बीसवां, बहरहाल तो रस्म है ना। सारा समाज थूकेगा ना, खुदा क्या कहेगा उससे तो कोई वास्ता नहीं ना है, समाज थूकेगा अगर हमने ये ना किया। लिहाजा वो औलाद भी जो खुदा का कोई हुक्म नहीं मानती है, वो भी वो 40वां करने में पीछे नहीं रहती है। तो शायद बुजुर्गों ने इसलिए रखा हो, इसी बहाने याद कर लेंगे। और आप देखिए कि जब ये सब रस्में खत्म हो जाती हैं, साल पूरा हो जाता है, अब अगले साल कौन है जो अपने मुर्दों को याद करता है, कितने परसेंट लोग हैं? तो एक मसला है तो शायद उनके ये थी। दूसरी मसला है जो संयम 40वें और 10वें और 20वें की थी, वो हमें अपनी मौत को याद दिलाना था। क्या आज तुम इनके 40वें में आए हो, आज इनके संयम में आए हो, कल तुम्हारा भी संयम होगा, तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है। तो मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सब मानते हैं, कोई इसका मुखालिफ नहीं है। इसी को कुरान मजीद ने लफ्जों में बयान कर दिया, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, आम कानून है। अलबत्ता जब कवानीन हमारे जनरल कवानीन भी बनते हैं तो उसमें कुछ इस्तिस्ना लगा दिया जाता है। मसलन कानून है कि अगर रेड लाइट हो गई है तो आप गाड़ी आगे, लेकिन अगर सीएम साहब की गाड़ी जा रही हो तो जाने दो। इस्तिस्ना आ गया ना, कानून आम है सबके लिए, मगर अगर सीएम या पीएम की गाड़ी जा रही है तो जाने दो, उसे नहीं रोका जाएगा। लेकिन मौत वो कानून है जहां इस्तिस्ना नहीं है। हत्ता वो हस्ती जो जाने कायनात है, जिसके लिए ये कायनात बनी है, वो न होता तो ये कायनात न बनती, जिसे खुदा खिताब करके कहता है लौला कलमा खलकतुल अफला।
तक। मेरे हबीब अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं ये कायनात खल्क ही ना करता। जो महबूब खुदा है, जो जाने कायनात है, जो रूह कायनात है, जो वजह तखलीक कायनात है, अल्लाह उसे खिताब करके कहता इन्नका मैयतुन व इन्नहुम लमैयतुन। मेरे हबीब मरना तो आपको भी है। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। तो ये ऐसा आम कानून है जहां इस्तिस्ना नहीं है। अच्छा, बाज दफा कानून सबके लिए होता है, इस्तिस्ना नहीं होता है, मगर कुछ चालाक होते हैं जो कानून की जद से अपने को बचा ले जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार कर लेते हैं, कानून की गिरफ्त में आने नहीं देते अपने को। लेकिन ये ऐसा कानून है, मौत का कानून है। लाख भागने की कोशिश करो, भाग नहीं सकते। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, मौत का पंजा तुम्हारे गरीबान तक पहुंच कर रहेगा। इससे भाग भी नहीं सकते, इससे मुकाबला भी नहीं कर सकते। बचने की लाख कोशिश तुम कर लो मगर बच नहीं सकते। कैसा मरे क्यों? इसलिए कि वायरस आ गया था। हम अपने को वायरस से बचा लेते हैं, हम नहीं मरेंगे। मरे क्यों? इसलिए कि साहब वो आजकल वो पानी भी सालिम नहीं है, हवा में भी ये जो है पॉल्यूशन बहुत फैल गया है। हम पॉल्यूशन फ्री इलाके में जाके घर बनाते हैं, हिमालय की चोटी पे जाके अपना महल बना लिया, पॉल्यूशन फ्री, बेहतरीन पानी, बेहतरीन हवा, बेहतरीन गजा। डॉक्टरों की एक फौज खड़ी कर दिया, छींक भी आती है तो दसियों स्पेशलिस्ट डॉक्टर दौड़ पड़ते हैं। बॉडीगार्ड, मजबूत तरीन बॉडीगार्ड खड़े रखे, मजबूत कला बना लिया है। अब वहां मौत नहीं आएगी। कुरान कहता है युद्रेकुकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। बचने का कितना ही इंतजाम कर लो, बच नहीं सकते। तो यहां तक तो मोमिन और काफिर दोनों मुत्तफिक हैं, सब कहते हैं हाँ भाई इससे बचा नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। जब वो गुनहगार इंसान जो गुनाहों में गर्क था, सरकार सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है और उसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि गुनाह कर तो रहा था मगर शर्मिंदा है, पशेमान है, गुनाह करना नहीं चाहता। आके कहता है मौला इन्नी रजुलुन आसिन ला असबरु अलल मासिया। मैं गुनहगार इंसान हूं, क्या करूं, गुनाह करना तो नहीं चाहता मगर बेकाबू हो जाता हूं। कितनी दफा है तो पैमान किया कि किसी नामहरम चेहरे पर निगाह नहीं डालेंगे, मगर क्या करें जब वो मौका आता है तो बेकाबू हो जाता हूं। मौला को ऐसी नसीहत कर दीजिए इस गुनाह से मैं बच जाऊं। जाहिर सी बात है, इंसान जब बीमार होता है तो तबीब के पास जाता है ना, डॉक्टर के पास जाता है। अब ये और बात है कि हम जिस्मानी बीमारी को तो बीमारी समझते हैं, रूह की बीमारी को बीमारी, जबकि जिस्म तो फानी है, बाकी तो रूह है ना, उसकी फिक्र हमें नहीं होती है। जरा सा नजला आ गया तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं। रूह बीमार, गुनाह क्या है? रूह की बीमारी ही तो है, कुछ और थोड़ी है। गुनाह रूह की बीमारी की अलामत है। गुनाह बुखार जिस्म की बीमारी की अलामत है, गुनाह रूह की बीमारी की अलामत है। तो जाना तो चाहिए ना तबीब के पास, नहीं वहां हमें तबीब, मगर इसे याद आ गया तबीब के पास आया है और अच्छा इंतखाब किया है। मौला मुझे नसीहत कर दी गुनाह से बच जाऊं। अब देखिए ये भी एक फन होता है, तबलीग का एक फन होता है, कौन सी बात कब किस तरह से कहनी है। बात एक ही होती है, कहने का अंदाज अलग अलग होता है। अब वो शख्स गुनाह से बचने को बड़ा मुश्किल समझ रहा है ना, उसकी नफ्सियात को देखिए। क्या इमाम उसे जवाब देते, उसकी नफ्सियात को निगाह में रखते हुए फरमाते इफ अल खमसा अशिया फजली मौशे। गुनाह हो जाए तो कोई बात नहीं है, देखो पांच में से कोई एक काम कर लो, फिर जितना जी चाहे गुनाह करो।
गुनाह की खुली छूट मिल रही है। पांच काम नहीं करना है, पांच में से कोई एक काम कर लो। अरे वाह, इतना बड़ा डिस्काउंट कौन देता है भाई? आप किसी बड़े मॉल में चले जाएं, मॉल का मालिक है, एक माल की कीमत दो, बकिया सारा सामान तुम्हारा फ्री का, इनमें से किसी एक की कीमत दे दो बस। मौला जल्दी बताइए। अब वो पांच चीजें मौला ने बताऊं, चूंकि मेरे मौजू से बाहर है, मैं से एक उसमें से एक चीज बताऊंगा बस, बाकी चार को फिलहाल छोड़ रहा हूं, क्योंकि फिर जो हम बात कहना चाहते वो नहीं कह पाएंगे। चौथी चीज पर आते हैं, पहले को मौला ने कहा, कहता ये तो नहीं हो सकता, दूसरे को कहा मौला ये नहीं, तीसरा भी नहीं हो सकता, मौला कहता सुनो, अच्छा गुनाह कर लिया तो क्या होगा? गुनाह करेगा तो क्या होगा? सजा मिलेगी, कहां मिलेगी? मरने के बाद मिलेगी ना, जन्नत तो जहन्नम कहां है? मरने के बाद ही है ना, वहां जाएंगे मैदान मैशर में, फैसला होगा, उसके बाद लिखा रहा मोहम्मद इसकी इस गुनाह के बिना पर जहन्नम ले जाओगे, मरेंगे तभी तो सब होगा ना भाई, मरने से पहले तो नहीं होगा। इमाम फरमाते हैं बर्रादिक इदा जा मलकुल मौत लियक्बिज़ा रूहक, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए, फदफा अन हो नफ्सक, तो एक फैट मार देना मलकुल मौत को, मैं नहीं जाता, मलकुल मौत लेने आए चलो, कह तो मैं नहीं जाऊंगा, इतने सारे मैं नहीं करूंगा है ना, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो का नहीं पढ़ूंगा, रोजा रखो नहीं पढ़ूंगा, ना महरम को ना देखो देखूंगा, खुम्स दो नहीं दूंगा, चोरी ना करो करूंगा, गीबत ना करो करेंगे, तोहमत ना लगाओ लगाएंगे, इतना सब कुछ तो कह लिया, एक काम और कर लेना भैया, बड़ा आसान काम है, वो ये है कि जब मलकुल मौत तुम्हें ले जाने के लिए आए, बोलो नहीं जाने का, हम नहीं जाएंगे, कहता है मौला उनके आगे नहीं है, सब इख्तिलाफ ये है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के तो सब कायल हैं, मरने के बाद क्या होगा। अब यहां पे दो राय हो गई, दो नजरिया हो गया, एक नजरिया कहता है मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद किस्सा तमाम, फाइल क्लोज, फाइल बंद हो गई, अब कुछ नहीं होना है, अच्छे थे बुरे थे गुनहगार थे नेकुकार थे कुछ भी थे जैसे भी थे, चाहे शिमर के रास्ते पे चलते थे चाहे हुसैन के रास्ते पे चलते थे, यजीदी थे तब भी हुसैनी थे तब भी, दोनों बराबर, न कोई जन्नत है न कोई जहन्नम है, न हिसाब है न किताब, असल है ही नहीं, जिंदगी नहीं है, जिंदगी होगी तब तो जन्नत और जहन्नम का, जहां हयात ही नहीं है, जो कुछ है यही दुनिया की जिंदगी है। आप इस दुनिया की जिंदगी में चाहे अच्छे इंसान बन के रहें, कदम कदम पे ख्याल रखें किसी का हक पामाल ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी को अजियत ना होने पाए, खुदा नाराज ना होने पाए, यानी इन बातों का ख्याल छोड़ करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना है, किसी का हक पामाल होता है तो हुआ करे, किसी को तकलीफ पहुंचती है तो हुआ करे, जुल्म करेंगे सितम करेंगे खाएंगे मस्त रहेंगे खुश रहेंगे, मरने के बाद ये दोनों बराबर हैं, जिंदगी में हुसैन और शिमर में फर्क होगा, मरने के बाद नहीं, दोनों बराबर। एक नजरिया ये है कि जो कुछ है वो यही जिंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं है। जब ये नजरिया आता है तो इस नजरिए के मानने वाले भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं फिर भाई अब मौज मस्ती करो, जितने दिन जीना है आराम से खा पी करके रहो। दूसरा ग्रुप कहता है भाई उसके बाद क्या होगा, मरना ही है ना, मरने के बाद कुछ नहीं, जो कल मरना है तो आज ही क्यों ना मर जाए, घुट घुट के जीने का फायदा क्या है? क्योंकि याद रखिएगा इस दुनिया में जो जिंदा है मुश्किलों का शिकार है, दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो कोई मुश्किल ना हो, एक इंसान नहीं मिलेगा। मौला कायनात फरमाते हैं इन्नम दुनिया दारुन महफूफुम बिल बला, दुनिया एक ऐसा ठिकाना है जो मुसीबतों से घिरा हुआ है, आप दुनिया में रहें और ये चाहें कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, नामुमकिन है,
कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा भी अर्ज करूंगा। देखिए अगर कोई इंसान समंदर में डुबकी लगाता है और ये वो तवक्को रखे कि मैं समंदर में तैरता तो रहूं मगर मेरे इर्द गिर्द पानी ना हो, ये मुमकिन है? क्योंकि जिस समंदर में पानी न हो वो समंदर नहीं सहरा है, जिस दुनिया में मुश्किल न हो वो दुनिया नहीं है जन्नत है। दुनिया में है तो मुसीबत है, सबकी मुसीबत। वो जिसके घर में रोटी नहीं है खाने को नहीं है ना, वो भी मुसीबत में है और मुकेश अंबानी भी मुसीबत में है। चाहे आप तो सबूर करें कि साहब उनके यहाँ क्या मुसीबत, नहीं, हर एक की मुसीबत अपने लिहाज से है। उसकी मुसीबत ये उसको खाने के लिए रोटी मयसर नहीं है, उनकी मुसीबत ये है दस्तरखान सजा हुआ है खाने के लिए सेहत नहीं है। तरह तरह के खाने तो रखे हैं मगर डॉक्टर ने कहा आपके लिए उबली सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। उसकी मुसीबत यह कि सोने के लिए गद्दा नहीं है, इनकी मुसीबत है गद्दा तो मौजूद है एसी तो लगा है आंखों में नींद नहीं है। खाबावर गोलियां कौन खाता है? मजदूर, मजदूर तो जहां उसने जमीन पे सर रखा नहीं ईंट को तकिया बना लिया नींद आ गई उसको, खाबावर गोलियां है। कभी भी आके फार्मेसी में खड़े हो जाइए देखिए कौन खरीदने आता है, गरीब आते हैं या दौलतमंद। हम जिन्हें तसव्वुर करते कि इनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है वो इतनी मुश्किलों में घिरे नजर आते हैं जितने में ये गरीब नहीं घिरा हुआ है। जिस दुनिया में जिसकी भी जिंदगी है मुसीबत के हमरा, मुसीबत के बगैर जिंदगी का तसव्वुर, तो कहते साहब ये मुसीबत में रह के घुट घुट के मरना तो है ना, तो आज ही क्यों ना मर जाओ, खुदकुशी कर लो। आप देखें खुदकुशी के जो होते हैं, पिछले साल हिंदुस्तान के 4 चोटी के आला पुलिस अफसरों ने खुदकुशी की थी, सर्विस रिवॉल्वर से अपने ऑफिस ही में गोली मार लिया। आला पुलिस, एक तो पुलिस हो रही काफी है, पुलिस हो गए तो सारे मुश्किलें तो खुद बहुत हल हो जाती हैं, पुलिस होना ही काफी है वो भी आला पुलिस अफसर, क्या कमी है इसके पास? पावर की कमी है? नहीं। ओहदे की कमी है? नहीं। दौलत की कमी है? नहीं। सब कुछ मौजूद, खुदकुशी क्यों कर लिया? क्यों खुदकुशी कर लिया? देखिए जिंदगी इनकी बेमकसद है जी, के क्या करेंगे 10 साल के बाद तो मरना है ना भाई, तो 10 साल तक घुट घुट के क्यों मरे? सुबह उठो जॉब पे जाओ कारोबार करो बिजनेस करो फलां करो 10 घंटे तक मर मर के काम करो भी आके 2 लक्मा रोटी घर में खा लो, क्या फायदा ऐसी जिंदगी के? तो एक नजरिया ये हो गया कि जो कुछ है वो ये दुनिया है, मरने के बाद कुछ नहीं। दूसरा नजरिया इसके बरक्स है, असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। असल जिंदगी मरना, मौत फना नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है, मिट जाना नहीं है, फाइल बंद नहीं होती है, फाइल खुली हुई है। ये मौत के पहले की जिंदगी तो तैयारी की जिंदगी है, तमहीदी जिंदगी है, असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। इसीलिए हमारे इस्लामी अहादीस में ताबीरात में मौत फना नहीं है, मौत एक पुल है। हजरत के यहां भी यही है और इमाम हुसैन ने भी फरमाता था, हजरत फरमाते वल मौत जिसरून, इमाम हुसैन फरमाते वल मौत कंतरा, मौत क्या है? पुल है। जिसर और कंतरा दोनों एक ही माना में पुल है। पुल का काम क्या होता है? इधर वालों को उधर ले जाना, यही तो होता है ना, इधर वालों को उधर शिफ्ट करने के लिए पुल बनता है ना। और पुल बनता कहां है? पुल कहां बनता है? पुल वहां बना। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद कहां बनाया जाता है? तवज्जो रखें, पुल कहां बनता है? इधर भी जिंदगी उधर भी जिंदगी, पुलवानी बना, इधर तो जिंदगी है इधर आप उधर कुछ नहीं। दरिया पर नदी पर जहां भी पुल बनाते हैं, पुल का मकसद होता है दो जिंदगियों को जोड़ना।
पुल वहां कभी नहीं बनता है कि एक जगह पे हयात है दूसरी जगह पर कुछ नहीं, सन्नाटा। हुजूर फरमाते कि मौत पुल है, सैयदु शोदा फरमाते मौत पुल है, तो मतलब तो यही ना हुआ कि मरने से पहले भी जिंदगी है, मरने के बाद भी जिंदगी। इधर भी हयात है उधर भी हयात है, इधर आरजी जिंदगी है उधर अबदी जिंदगी है, इधर तैयारी की जिंदगी है उधर असली जिंदगी है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो नजरिया ये है कि ये मौत फना नहीं है, मौत मिट जाना नहीं है, मौत खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि मौत एक नई जिंदगी में दाखिले का नाम है, असल जिंदगी के आगाज का नाम है। ये जिंदगी तैयारी की जिंदगी है। कहां की तैयारी? उस जिंदगी के लिए। देखिए हमारी इंसानी जिंदगी के चार या पांच मरहले हैं, या मैं इसलिए कह रहा हूं एक मरहले के बारे में जरा उलमा में इख्तलाफ है, वो मरहला है या नहीं है, फिलहाल उस बहस में जाना नहीं चाहता, फकत नाम लेके आगे बढ़ जाऊंगा। जिंदगी हमारी इंसानी जिंदगी का पहला मरहला है आलम जर। अलबत्ता आलम जर को कुछ उलमा नहीं मानते, वो कुछ उसकी और तावील करते हैं। आलम जर, जर यानी छोटी, छोटा, सबसे छोटे हिस्से को। एक जमाना था जब अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले सारे अरवाह को चींटी जैसी मखलूक की, छोटी छोटी मखलूक की शक्ल में पैदा करके उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम। रोजे अलस भी कहते हैं, शोराए कराम भी अदबियात में बड़ा इसका इस्तेमाल होता है, रोजे अलस, रोजे अलस। बहुत से लोग रोजे अलस का मतलब भी नहीं समझते मगर कहते हैं रोजे अलस, कहा जाता है। तो एक वो है वहां पूछा था उनका वगैरह वगैरह तफसीलात, वो आलम सर। अलबत्ता बाद उलमा इसके कायल नहीं है, वो एक अलग बहस है। पहला मरहला जो इख्तलाफ। दूसरा मरहला आलम रहम, जब माँ के पेट में आ गए जिंदगी वो भी तो है ना। तीसरा मरहला जब दुनिया में आ गए। चौथा मरहला बरज़ख़। पांचवा मरहला आखिरत, जब जन्नत या जहन्नम जहां भी गए, दो में से कोई एक जगह ठिकाना। पांच मरहले हैं, हर मरहले की जिंदगी के अपने तकाजे हैं, हर जिंदगी के मरहले के अपने तकाजे हैं। आलम रहम में जिंदा थे ना, आलम रहम में मार के पेट में जिंदगी है या नहीं है? जिंदगी है, वहां हमारी जिंदगी का इंतजाम कौन कर रहा था? हम, वहां सारा बंदोबस्त अल्लाह के हाथ में। तस्वीर हमारी बन रही है, शक्ल बन रही है, हाथ पैर बन रहे, कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। गजा का इंतजाम कौन कर रहा है? खाने का बंदोबस्त कौन कर रहा है? हयात के तकाजे कौन पूरा कर रहा है? सारा काम है परवरदिगार का। तीसरा मरहला जब दुनिया में आ गए, अब तकाजे बदल रहे हैं, अब कुछ खुदा का काम है कुछ हमारा। हाथ अल्लाह ने दे दिया, हाथ में ताकत अल्लाह ने दे दी, अक्ल अल्लाह ने दे दिया, जमीन में नमू की सलाहियत अल्लाह ने दे दी, पानी अल्लाह ने बरसा दिया, सूरज अल्लाह ने चमका दिया। जोतना हमारा काम है, बोना हमारा काम है, फसल काटना हमारा काम है, रोटी पकाना हमारा काम है, लुकमा तोड़ के दहन में ले जाना हमारा काम। कुछ खुदा का कुछ माँ के पेट में सब खुदा का था, अब यहां आने के बाद कुछ खुदा का काम कुछ हमारा काम। अब आया चौथा मरहला बरज़ख़ का मरहला और आखिरत का। चौथा और पांचवा मरहला जो है यहां टोटल सब हमारा काम है। मां के पेट में सब खुदा का काम था, दुनिया में आने के बाद कुछ खुदा कुछ हम, आलम बरज़ख़ और आलम आखिरत में सब हमारा काम है। दुनिया में ये शक्ल किसने बनाई? अल्लाह ने। आखिरत में शक्ल कौन बनाएगा? दुनिया में इंसानी शक्ल अल्लाह ने दी है, आखिरत के लिए इंसानी शक्ल हमें खुद बनाना है। अगर इंसान रहना है बाजों को
अल्लाह से नाराजगी होती हमें इंसान क्यों बना दिया, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मरने के बाद तो तुम्हें खुद जैसे चाहे बना लेना, चाहे लोमड़ी बन जाओ, चाहे चूहा बन जाओ, भेड़िया बन जाओ, तो तुम्हारे अख्तियार में है। यहाँ तो अल्लाह ने दे दी इंसान, अगर अच्छी नहीं लगती तो बदल लेना, क्योंकि वहां जो शक्ल भी होगी वो हमें खुद बनाना है। आज अगर हम इंसान की शक्ल में हैं, कल कयामत में इंसान की शक्ल में उठाएंगे, गारंटी नहीं है। जैसी शक्ल बनाएंगे वैसे ही शक्ल में उठाए जाएंगे। रवायतों में है, हर गुनाह का नमायंदा एक जानवर है। गुनाह को हल्का मत लीजिएगा, गुनाह ही तो किया है, कोई जमीन फट गई है या आसमान गिराया है जमीन के ऊपर। हर गुनाह का नुमाइंदा मकर व फरेब का नुमाइंदा लोमड़ी है, चोरी शिकारी के नुमाइंदा चूहा है, दरिंदगी का नुमाइंदा भेड़िया है, बेहयाई का नुमाइंदा सुअर है। ये हदीसों में है, ना कहिएगा मौलाना ने मिंबर से सुअर कह दिया, नहीं मैंने नहीं कह दिया, हदीसों में है। जिनके यहां अय्याशी उनकी जिंदगी में गालिब है, वो कयामत के दिन इंसान की शक्ल में नहीं उठाए जाएंगे, सुअर की शक्ल में उठाए जाएंगे। जिनकी जिंदगी में मकर व फरेब हावी है, वो आखिरत में लोमड़ी की शक्ल में उठाए जाएंगे। जिनकी जिंदगी में चोरी चमारी है, वो चूहे बन के उठाए जाएंगे। इंसान बनना है तो इंसान वाला काम करना पड़े, क्योंकि खुद बनाना है। ये चेहरा दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें इंसान का दिया है, वहां खुद से बनाना है। मैं एक रवायत सुना दूं आपको, ताकि थोड़ा अंदाजा हो कि मौलाना अपनी तरफ से तो नहीं सब कुछ कहे जा रहे हैं। जाहिर से बात है, हमारी बातों का क्या एतबार, होना भी नहीं चाहिए। कभी भी आम इंसानों की बातों पर भरोसा न कीजिएगा, हाँ हमेशा मासूम खुदा के कलाम और मासूम के कलाम के अलावा कुछ मत सुनिएगा। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज के लिए तशरीफ ले गए हैं, बड़ा इज्तिहाम है, बड़ा मजमा है, ये भी बहरहाल हज की एक बरकत है। आजकल तो बहरहाल कोरोना ने सारी बरकतें छीन ली हैं, मानवीय मादी सब ये भी छिन गया है। वरना आप जिस साल भी हाजी हज से लौट के आते, ये एक बात कॉमन होती है, इस साल मजमा बहुत था। हमेशा हाजियों को मजमा ज्यादा ही लगता है, साल बहुत रिकॉर्ड तोड़ मजमा था, ये हमेशा से होता आया। अच्छा, मजमा जब ज्यादा होता है तो हाजी की तकलीफ भी बढ़ जाती है ना। मगर किसी हाजी को अपने नाराज देखा है, जाने कहां से कम वक्त चले आते हैं, तकलीफ तो हो रही है, पिस तो गया है, मगर खुश होके कहता है, खुशी होती है, ये साल मजमा बहुत था। अबू बसीर इमाम के सहाबी साथ में है, इमाम हैं। एक दफा अबू बसीर कहते हैं, मौला मा अक्सर अल हजीज, कितने हाजी आए हैं। इमाम फरमाते हैं, मा अकल अल हजीज व मा अकल अल हजीज व अक्सर अल जजीज, हाजी तो थोड़े से हैं, शोर मचाने वाले ज्यादा हैं। अबू बसीर को बड़ा ताज्जुब, मौला क्या कह रहे हैं, हाजी तो थोड़े से हैं, शोर मचाने वाले ज्यादा। भाई ठीक है, शोर तो होता है हज में, मगर हर शोर नापसंदीदा तो नहीं ना होता। मैं भी तो शोर ही कर रहा हूं, और यही शोर सुनने के लिए आप आए भी हैं। आप लोग तो चुपचाप बैठे हैं ना, शोर तो मैं कर रहा हूं, मगर ये शोर आपको नापसंद नहीं आ रहा है। तो एक नापसंदीदा शोर, यहां कोई मालूम कोई जो मारपीट करे, गलम गलोच करे, वो शोर आपको अच्छा नहीं लगता। तो शोर दो तरह का है, पसंदीदा शोर और नापसंदीदा शोर। वहां काबे की शोर तो है, मगर काहे का शोर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना का शोर है, कुरान की तिलावत का शोर है, मुनाजात का शोर है, दुआओं का शोर है, ये तो किसी को नापसंद नहीं है ना। तो मौला ये क्या कह रहे हैं, मा अकल अल हजीज व अक्सर अल वजीज, शोर मचाने वाले ज्यादा हैं, हाजी तो थोड़े से हैं। अब अबू बसीर
मौला कह रहे तो सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है इमाम की बात पर तो भरोसा है, एतमाद है, मगर मौला तो भांप गए कि अबू मसीर के दिल को इत्मीनान नहीं है। वही बेचैनी जो इब्राहिम को थी, रब अरिनी कैफा तुहयिल मौता, खुदाया दिखा दे तो मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। अब बस फर्क यह है कि इब्राहिम अपनी बेचैनी का इजहार कर बैठे, अबू बसीर ने इजहार नहीं किया। कैफा तुहयिल मौता, जवाब आया अबलम तुम्हें इब्राहिम, क्या तुम्हें ईमान, ईमान तो है लेकिन इत्मीनान कल्ब, इत्मीनान कल्ब के लिए दिखा दे। तो अबू बसीर को ईमान तो है मगर इत्मीनान कल्ब नहीं है, इमाम ने महसूस कर लिया कि अबू बसीर को इत्मीनान नहीं है। इमाम ने भी क्या किया उसको बाद में अर्ज करूंगे, पहले एक बीच में एक बात सुन लीजिए। अभी मैंने क्या अर्ज किया कि हदीसों में है कि बास गुनाहों के नुमाइंदे बाज जानवर हैं, कि शक्ल बनेगी बाद में या बन चुकी है, बन चुकी है दुनिया में, बन चुकी है। जो अय्याशियों में गर्क रहते हैं उनकी शक्ल इंसान के बजाय सुअर की बन चुकी है, लोमड़ी की बन चुकी है, भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मौलाना पे दिखते तो नहीं, चले जाओ सिनेमा हॉल में, वहां भी इंसानी नजर, जो शक्ल मस्जिद में नजर आती है वही सिनेमा हॉल में भी नजर आती है, जो शक्ल मामबाड़े में नजर आती है वही कल्बों में भी नजर आती है, वही जुए के अड्डे पे भी नजर आती है। हमने तो नहीं देखा कि कहीं पर कोई और शक्ल नजर आती हो, अगर है तो दिखती क्यों नहीं। क्या वाकई जो चीज हो उसे दिखना चाहिए, है तो दिखना चाहिए, मगर हर चीज को देखने के लिए वैसे ही आंख चाहिए। मैं आपसे पूछूं मेरे हाथ में क्या है, जवाब मिलेगा कुछ नहीं, ये जवाब मिलेगा ना कुछ है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ हाँ कुछ नहीं। अब इसी हाथ को माइक्रोस्कोप से ले जाकर के देखिए, अब माइक्रोस्कोप से देखिए क्या है, अरे मौलाना तो जरासीम से भरे हुए हैं, कोरोना भी कहीं निकल आए थे, इसमें तो जरासीम है। अभी तो आप कह रहे कुछ नहीं, का जरासीम इन आंखों से नजर नहीं आते, जरासीम देखने के लिए अलग आंख चाहिए, अगर से ये जरासीम इसी दुनिया की चीज है, मादी चीज है ना जरासीम भी तो, मगर मादी होने के बावजूद इन आंखों से नजर नहीं आएगी, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हमने क्या कहा, ये शक्लें कहां की है, यहां की है या वहां की है, भाई यहां की तो इंसान की शक्ल है ना, ये लोमड़ी की शक्ल वहां की है, ये चूहे की शक्ल वहां की है, ये भेड़िए की शक्ल वहां की है, तो इन्हें ये शक्लें बरज़ख की हैं, ये शक्लें आखिरत की हैं, तो दुनियावी आंखों से नजर नहीं आएंगी जब तक बरज़खी आंखें ना मिल जाए। बास शख्सियतें हैं जिनको दुनिया ही में बरज़खी आंखें मिल जाती हैं। जब अबू बसीर कहते हैं ताज्जुब किया, एक दफा मौला ने अबू बसीर की आंखों पे हाथ फेरा, अबू बसीर की दुनियावी आंखें बरज़खी आंखों में तब्दील हो गई। जैसे ही मौला ने हाथ फेरा आंखें बदली, अबू बसीर घबरा के कहते हैं मौला ये जंगल में हम कहां से आ गए, अभी तो हम काबे के पास थे, हाजियों के दरमियान थे, यहाँ तो कोई लोमड़ी है कोई भेड़िए की शक्ल में है, ये जानवरों के नरगे में कहां से आ गए। इमाम ने फरमाया अबू बसीर मैं न कहता था मा कल्लल हजीज वा अक्सर अलजीज, हाजी तो थोड़े से हैं, शोर मचाने वाले ज्यादा है, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ यहां से जाते हैं हज करने के लिए,
कुछ लोमड़ियाँ जाती हैं हज करने के लिए, कुछ चूहे जाते हैं हज करने के लिए, कुछ भेड़िए जाते हैं हज करने के लिए, कुछ वो होते हैं गए तो थे भेड़िया बन करके, पलट के आए इंसान बन के। जैसे गुनाह इंसान से भेड़िया बना देता है, वैसे ही तौबा भेड़िए से इंसान बना देती है। कुछ तो होते हैं जानवर गए थे मगर इंसान बन के पलट के आए, कुछ जैसे गए थे उससे बदतर बन गए। हमारे समाज में फिर कहते हैं ना ऐसों के बारे में, क्या कहते हैं, काफी आए हाजी पाजी, ये वो वाले लोग हैं। एक शख्स छठे इमाम के पास आता है, आने के बाद कहता, मौला हमसे एक बात का वादा कीजिए। ये वो वादा ले रहा है जो हम लोग वादा लिए बगैर अपने लिए पक्का समझे। क्या वादा लेता है, मौला वादा कीजिए कि कयामत में हमारी शफाअत कीजिएगा। शफाअत यानी हमें जन्नत में ले जाइएगा, यही है ना। उसने तो वादा मांगा है इमाम से, मगर हम लोग तो वादा पक्का समझते हैं। अगर हम इमाम हमें न ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे, हमें न ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। इमाम से कहता, मौला वादा कीजिए कि आप कयामत में हमारी शफाअत करेंगे। इमाम फरमाते, एक वादा पहले तो मुझसे करो, फिर मैं तुमसे वादा करता हूं। मौला मैं क्या वादा करूं, वादा करो कयामत में इंसान की शक्ल में आओगे, क्योंकि जन्नत इंसानों की जगह है जानवरों की नहीं। इंसान बन के आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जन्नत में ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दो हमारी जिंदगी एक नहीं है, एक मौत से पहले की, एक मौत के बाद की है। मौत के पहले की जिंदगी का मकसद यहां तफरी करना नहीं है। भाई आप ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं, दुकान पे जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, खेत पे, जिसका जो भी काम का ये जो है नेचर हो, तो इस दुनिया में भी हमारी दो जिंदगी है ना, एक घर पे जिंदगी गुजरती है, एक ऑफिस की जिंदगी है, दो जिंदगी है। ऑफिस की जिंदगी का है कि ये तैयारी की जिंदगी है, खेत की जिंदगी तैयारी की जिंदगी है, दुकान की जिंदगी तैयारी की, काहे की तैयारी, घर की जिंदगी के लिए। 8 घंटा काम करते हैं काहे के लिए, 16 घंटा आराम के खातिर। आपको ऑफिस में भी आराम की उम्मीद होती है या ऑफिस में कमाई की उम्मीद होती है? दुकान पे फर्ज कीजिए कि ग्राहक बहुत आए हुए, भीड़ लगी हुई है, बड़ी तेजी से माल बिक रहा है, मगर पावर कट भी हो गया है, पंखा भी नहीं चल रहा, एसी तो दूर के बाद, पसीने में शराबोर है, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, क्या करेंगे, दुकान बंद करके घर चले जाएंगे कि भाई आज तो लाइट नहीं, गर्मी बहुत है, पसीने में शराबोर होंगे, हटेंगे नहीं, एक ग्राहक भी अगर बाकी, क्योंकि दुकान पे आराम करने थोड़ी आए थे, दुकान पे तो घर के आराम का इंतजाम करने आए हैं। अजीजो हम दुनिया में आराम करने नहीं आए हैं, आखिरत के आराम का इंतजाम करने आए हैं। लिहाजा अब ये परवाह नहीं है कि जौ की रोटी खा रहे हैं, पैमन लगा कपड़ा पहन रहे हैं, बोरिया नशी है, लेकिन जब सर पे जरबत लगती है तो कहता है फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली, दुनिया से इस मकसद के लिए आए थे वो मकसद को मुकम्मल करके जा रहे हैं। फकीर तकलीफ से कटे या आराम से कटे, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। तो सारा इंतजाम यहां से करना है हमें। शक्ल इंसान, अच्छा कभी कभी इंसानी शक्ल तो मिल गई, इंसान तो अंधा भी तो इंसानी होता है ना, एक आंख वाला काना भी, लंगड़ा भी, लूला भी,
तब इंसान ही है ना। हमारी ख्वाहिश क्या होती है, लंगड़े लूले रहे या सही सालिम, अंधे रहे या आंख वाले। मुमकिन है कि हमारे अमाल की वजह से हमें गुनाह ना उस तरह का नहीं किया था, इंसानी शक्ल तो मिल गई, मगर जरूरी नहीं है कि आंखें भी मिल जाएं। मुमकिन है इंसान की शक्ल में आए मगर अंधे, कितनी तकलीफ होगी। इंसान की शक्ल में आए मगर काने, बहरे, लंगड़े, लूले। एक एक उज्व हमें खुद से बनाना है। ये आंखें वहां काम नहीं थी, कुरान मजीद में है ना, कुछ लोग हैं जो दुनिया में आंखें थी वहां अंधे उठाए गए। परवरदगार से कहकर रब लिमा हशरतनी आमा वक्त कुंतु बसीरा, ये मेरे माबूद दुनिया में तो मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत आंखें थी, लोग हमारी आंखों पे मरते थे, आज यहां अंधा क्यों उठाया है, आंखें क्या हुई। जवाब मिलेगा वो आंखें तो दुनिया के लिए हमने दी थी, तुमने यहां के लिए आंख बनाई ही नहीं। आंख अपने हाथ पैर सब खुद बनाना है अपने लिए। आखिरत में दो ठिकाने हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। ख्वाहिश क्या है, कहां जाना है, जन्नत या जहन्नम। हाँ, ये भी वो हकीकत है जिस पर सब इत्तेफाक है। किसी से पूछो, शिमर से पूछो, तुझे कहां जाना है। हुरमला जो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता, उसे पूछे कहां जाना है, क्या जवाब देगा। जन्नत पूरे बनारस में सर्वे कर लिया, जहन्नम वाला एक भी नहीं मिलेगा। चाहे जन्नत का नाम कुछ और रखे, स्वर्ग रख दे, जन्नत ना कहे। मैं जाना सबको कहां है, एक भी जहन्नम वाला नहीं मिलेगा। राहुल गांधी भी कहेंगे जन्नत, मोदी भी कहेंगे जन्नत। हर बात में इख्तलाफ करते हैं, इसमें इख्तलाफ नहीं करेंगे, सबको जन्नत में जाना है। तो चाहना जरूरी तो है मगर काफी नहीं होता ना। किसी मंदिर तक पहुंचने के लिए चाहत जरूरी है, चाहती नहीं है तो कुछ नहीं होने का है। चाहत के साथ साथ वो काम भी करना है जिससे वो मकसद। अगर चाहती से काम हो जाता तो कोई गरीब होता, कोई जाहिल होता ना होता कोई। तो चाहत काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं है। जन्नत में जाने की चाहत तो है, वो रास्ता भी अपनाना है जो जन्नत तक हमें ले जाए। देखिए, जन्नत और जहन्नम दो चीजें तो हैं, दो तसव्वुर है। तसव्वुर ये है कि अल्लाह ने पहले से जन्नत बना रखा है, जहन्नम बना रखा है। लोग आते रहेंगे और अल्लाह इनको किसको इधर शिफ्ट करेगा, कुछ है, किसी को जन्नत की चाबी, किसी को जहन्नम में ढक करके भेज दिया जाएगा। बने बनाया पर, बनाया किसने, अल्लाह ने बना लिया है। अब अल्लाह उसमें से इनाम के तौर पर, सजा के तौर पर देगा। ये तो मकान बनते हैं ना, दो तरह के मकान बनते हैं। कुछ ये जो है सोसाइटी बनती है, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, वो 10,000 फ्लैट बना लेते हैं और बाद में उसको बेचते हैं। और जब बेचने आते हैं, अगर ग्राहक ज्यादा आ गए, डिमांड ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम है तो कीमत गिर जाती है ना। कब मकान की कीमत 50 लाख, डिमांड बहुत ज्यादा, फट से हो गई 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अब मकान बन गया लेने वाला ही, कुछ ऐसा आजकल हो रहा है, सब खाली पड़े हैं। बड़े बड़े शहरों में लाखों फ्लैट खाली पड़े हैं, कीमतें नीचे आ रही हैं, गिर रही है कीमत, ड्रॉप कर रही है। क्यों? डिमांड नहीं है। ऐसा है, अल्लाह ने बना रखा है पहले से जन्नत। जन्नत अल्लाह ने बना रखी, कीमत भी लगा दी। नमाजियों को मिलेगी, रोजेदारों को मिलेगी, हाजियों को मिलेगी, कुम ज़कात देने वालों को मिलेगी, चोरी न करने वालों को मिलेगी, गीबत न करने वालों को कीमत। अच्छा, वहां जब पहुंचे तो डिमांड ज्यादा, अब वहां कीमत बढ़ा दी अल्लाह ने भी, कुछ और भी शर्तें लगा दी कि नमाज सब पढ़ने वालों को मिलेगी। अभी तो शर्त नहीं थी वहां पर, क्योंकि डिमांड ज्यादा, या इसका उल्टा हो गया, डिमांड ही कम, ये कीमत देने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। अल्लाह का ठीक है, अच्छा जो नमाज नहीं भी पढ़ते थे वो भी आ जाए,
कीमत घटा दी गई। यही हाल जहन्नम का भी है। मालूम जहन्नम में कौन जाएगा जो ये गुनाह करेंगे। बाद में मालूम नहीं साहब जो ये गुनाह न भी करेंगे वो भी जहन्नम में चले। नहीं, जहन्नम और जन्नत अल्लाह ने बनाई नहीं है। जन्नत और जहन्नम हमको खुद बनाना है। अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत बनाओ, जहन्नम में जाना है तो जहन्नम खुद बनाओ। जो बनाया है वही जाओगे, बनाया है झोपड़ा तो महल में कैसे जा सकते हो। जो बनाया है जन्नत ना खुदा ने बनाई ना जहन्नम, खुदा ने यह जरूर कह दिया है जन्नत ऐसे बनती है। जन्नत बनाने का तरीका बता दिया, नक्शा बता दिया है। ये चीजों से जहन्नम बनते हैं, ये चीजों से जन्नत। अब अगर बनाया हमने खुद है, अल्लाह ना किसी को जन्नत में भेजता है ना जहन्नम में भेजता, हम खुद अपने अमल से जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में जाते हैं। एक रवायत सुन लीजिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पे गए हैं, तो मेराज काहे के लिए है, ले नूरे यहू मिन आयातना, निशानियां दिखाने के लिए बुलाया है। बड़ा अजीम है सफर, सफर मेराज। हम लोगों के यहाँ आमतौर से मेराज का छोटा सा गोशा बयान किया जाता है, क्योंकि हम लोगों का एक मिजाज है कि हम वो सुनना चाहते हैं जहाँ ममदू की तारीफ हो, हमारी जिम्मेदारी कुछ ना हो। हमारी जिम्मेदारी, हम पे जिम्मेदारी का बोझ ना डाला जाए, हमसे तारीफ जितनी चाहे, जितने चाहे नारे लगवा लीजिए, लगाने को तैयार है। तो वो हिस्सा अच्छा, जाहिर से बात है हम जैसे नादान जाकिर भी कहते हैं चलो अच्छी बात है, जो आप सुनना चाहते वही सुना देते हैं, खुश कर देते हैं आपको। तो मेराज के वो हिस्से सुना देते हैं जिससे नारा लग जाए, और वो हिस्से बयान करने से हम भी गुरेज करते हैं, इससे खाम खाम लोगों को जहमत उठानी पड़े। हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, किसी को जहमत में कहां डालना चाहते हैं, क्यों आपको परेशानियों में डालें। लेकिन मैं थोड़ा उन शरीफों से हट के दो चार जुमले आपकी खिदमत में बयान भी कर देना चाहता हूँ। बड़ा अजीम मामला है वहां पर, अल्लाह और पैगंबर के दरमियान में तवील गुफ्तगु है। कभी अल्लाह पैगंबर से सवाल करता है, कभी पैगंबर अल्लाह से सवाल करते, बहुत अजीम गुफ्तगु है। पैगंबर सैर कराए जा रही है, सैर करने गए हैं ना, ले नूरे यहू मिन आयातना, जिब्रील के हमरा पैगंबर जा रहे हैं। एक जगह पैगंबर ने कहा जिब्रील ये क्या हो रहा है, फरिश्ते कुछ बना रहे थे, कहा जिब्रील क्या हो रहा है, कहा या रसूल अल्लाह गौर से सुनिएगा, ये फला बंदे मोमिन का महल बन रहा है, बना नहीं पहले से बन रहा है। थोड़ी देर में पैगंबर ने देखा कि फरिश्ते हाथ रोक करके बैठ गए, हैं बड़ी काहिल लेबर है। हमारे लेबर दो किस्म की होती है ना, एक ठेके वाली लेबर होती है और एक डेली वेजेस वाली होती है। डेली वेजेस वाले थोड़ा सा काम के ब्यूड़ी पीने बैठ गए। अब आप कह रहे भाई उठो, अरे मौलाना साहब आपको क्या पता काम कैसे होता है, काम ऐसे ही होता है, थक जाते हैं, बदन है भाई। और ठेके वाले अंधाधुंध काम करते हैं बैठे बगैर। अब मेरी लफ्ज़ें पैगंबर की नहीं है, जिब्रील ये डेली वेजेस वाले हैं क्या जो बैठ गए हैं। नहीं या रसूलुल्लाह, लेबर तो बहुत अच्छी है, फिर बैठ के हुए या रसूलुल्लाह, मटेरियल खत्म हो गया। अबे लेबर चाहे कितनी अच्छी हो, अगर मटेरियल नहीं है तो क्या करेगी लेबर। बिल्डिंग बनाना है, ईंटें चाहिए, स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेता चाहिए, बालू चाहिए, सब चाहिए ना, नहीं है या रसूलुल्लाह, मटेरियल खत्म हो गया। जिब्रील मटेरियल कहां से आता है या रसूल अल्लाह, जब कोई बंदे मोमिन कोई नेक काम करता है वो मटेरियल में तब्दील होकर यहां पहुंचता है, फरिश्ते उसके लिए महल बनाते हैं। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर जन्नत के महल में जाना है तैयारी, मटेरियल भेजिए ना यहां से,
मटेरियल जाएगा तो फरिश्ते बना देंगे मटेरियल। इस वक्त माशाल्लाह आप लोग मटेरियल भेज रहे हैं ना, आप भी और शायद हम भी। और शायद मैंने इसलिए लगाया है, अमल से मटेरियल नहीं बनता, अमल के पीछे जो नीयत छुपी है उससे बनता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक दफा मेरे पढ़ने का मकसद है कि आप खुश हों, वाह वाह करें, और आखिर में बानी मली खूब मोटा सा लिफाफा दे दें, क्योंकि बानी मली भी तोलते हैं ना कि मजलिस कैसी थी, वैसे ही लिफाफे का वजन भी होगा। तो हम लिफाफे का वजन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है बढ़वा लीजिए वजन जितना बढ़ा सके, मगर वहाँ चूंकि भाई एक माल की कीमत एक दफा मिलती है, दो दफा नहीं मिलती। एक माल की कीमत एक दफा मिलेगी ना, दो दफा तो नहीं मिलेगी। आप इनके घर में आए, आपने से साड़ी खरीदी, पैसा इनको दे दिया, अब इनके भाई आते पैसे दिए, दे चुके भाई, अब क्या देंगे, या ये खुद ही दोबारा मांगे। एक माल की कीमत एक मर्तबा मिलती है, कीमत तो ले चुके आवाम से या साहिबे मजलिस से, अब क्या लेने आए हो। इसीलिए हमारे यहाँ पहले क्या कहते थे, हदिया कहते थे। अब बार दफा फोन आता है, मौलाना आपका हदिया कितना है, पहले ये नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाने लगा। आपका फोन आया, मौलाना आपका हदिया कितना है, मैंने कहा आप हदिया पूछ रहे हो या कीमत, आप क्या पूछ रहे हैं, हदिया या कीमत। अब थोड़ा सटपटाए, नहीं नहीं आप बताइए, आप पूछ क्या रहे, मैं जवाब ऐसे ही दूं। अगर आप कीमत पूछ रहे हैं तो आपके बस में नहीं है, कीमत आपके बस में नहीं, आप दे नहीं सकते हैं। और अगर हदिया पूछ रहे हैं तो ये तौहीन है, हदिया पूछा नहीं जाता है। हदिया पूछा नहीं जाता है, अल हदिया तो बेकदर है, बहुदी हाथ जो आपकी सुबह हो। एक फूल भी हदिया है, वाकई में फूल हदिया है। ये जो है मर्सिडीज बेंज भी दे दीजिए, वो भी हदिया है ना। लेने वाले को उसमें इतराज होता है, देने वाले को जो उसकी हैसियत दे दिया उसने अपनी खुशी से अपनी मर्जी से तय करने लगे, इसका मतलब है कीमत। और कीमत वाकई जो लोग तय करते हैं कि हमें इतना चाहिए, या इजहार खुशी और नाराजगी करते हैं, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलवात मरहमत, तो कीमत तय करते हैं अपने, इतना लेंगे। लिफाफा खोलने के बाद मुंह फेंक, बार क्या दिया है ये, ना देख के खुश हो गए, जबान से कुछ कहा था मैं खुश हो गए या नाराज हो गए। इनको खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हराम करते, क्योंकि मेरा हराम का फतवा देना मेरा काम नहीं है, वो तो काम मुफ्ती का है, मुज्तहिद का है, मर्जा का है, मगर इतना जरूर कहूँगा अहमक है ये, पागल है। क्यों कहा मैं कह रहा हूँ, मैं फर्ज कीजिए मेरी ये घड़ी जो है, अगर ये मेरी घड़ी 5,000 रुपए की है और मैं आपसे कहूँ इसमें जो 5 रुपया दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, कितना बेवकूफ़ आदमी है, कितना अहमक है ये इंसान, ये तो कहा जाएगा ना। अपना कीमती माल सस्ते में बेचने वाले को अहमकी तो कहा जाता है। ये जो तबलीग का अमल है इसकी कीमत कितनी है, कीमत कितनी है, कीमत तो समझ लेना। ये अमल तबलीग हीरा है या शीशा। एक खातून सिद्दीक़े ताहरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत आने के बाद मासूमा से उन्होंने कुछ सवालात किए, मासूमा ने नहायत खुशदिली से जवाब देना और है, खुशदिली से जवाब देना और है, नहायत खुशदिली से उन खातून का जवाब दे दिया। वो घर से बाहर गई, थोड़ी देर बाद चली गई, बीबी मैं भूल गई कि आपने क्या कहा था,
जरा फिर से बता दीजिए। हम लोग भी पढ़ाते हैं, तलबा हमारे सवाल भी करते हैं। अच्छा, एक दफा सवाल कर लेते हैं तो कुछ बुरा? बड़े मोहब्बत से जवाब, हाँ बेटा देखो ऐसे है ऐसे। अच्छा, दोबारा फिर वही सवाल कर ले तो थोड़ा सा लहजा बदलता है, और फिर तीसरी दफा और चौथी दफा फिर जो हश्र होगा वो तो आप सब जानते ही क्या हश्र होगा। आई औरत बीबी ने फिर से जवाब दे दिया उसी खुश दिली से, उसमें कोई फर्क नहीं आया। बाहर निकली फिर चली आई, बीबी वो क्या करो मेरा हाफजा कमजोर। अरे सवाल मेरी पड़ोसन ने किया था, जवाब भूल गई आपका। बीबी ने उसी खुश दिली से फिर जवाब दे दिया चौथी मरतबा, पांचवी, दस मरतबा इसी तरह वो आती रही, और मासूमा हर मर्तबा उसी खुशदिली से जवाब देती रही। यानी इस्लाम का पैगाम सुनाती रही, यही है ना, यही तो है ना। ये जो मुबल्लिग क्या करता है, एक जाकिर को क्या करना चाहिए, यही तो काम है ना। और कोई और काम है? पैगाम इस्लाम सुनाना यही तो काम है, यही काम है ना। दसवीं मर्तबा शर्मिंदा हो गई, कहने लगी बीबी आपका बड़ा एहसान कि आपने मेरे सवालों का इतने हौसले के साथ जवाब दिया। अब असल गुफ्तगू शुरू होती है। मासूमन का क्या कहा? हमारा एहसान तुम पर नहीं, नहीं, तुम्हारा एहसान मुझ पर है कि तुमने सवाल किया। मैं आपके यहां मजलिस पढ़ने आऊं और आपसे पैसे भी न लूं, कुछ कह रहा है आप कुछ न लूं, आप तो ये कहीं मानना का बड़ा एहसान। हम कहने नहीं साहब, आपका एहसान कि आपने हमें मेंबर दिया, ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी ना खासतौर से आज के दौर में। यहाँ तो सारा एहसान तो हमारा ही होता है ना। जरा सा कहीं ज़ियाफ़त में आपने कमी कर दी, थोड़ा सा नमक घटा बढ़ा दिया, फिर देखिए हमारा तेवर, फिर हमारा तेवर देखिए क्या हो जाता है। जरा सा कहीं कोई कमी हो गई, बेचारा बुलाने वाला भी मौलाना कोई तकलीफ तो नहीं है ना, मौलाना रात में नींद अच्छे से आई थी ना, मौलाना खाने में ठीक से ना, बेचारा भर भर करके पूछा करता है। भाई कोई टीचर अगर अपने अपने यहाँ किसी बच्चों को फ्री में पढ़ा दे तो किसका एहसान किस पर होता है? टीचर का एहसान होता है ना, या शागिर्द का एहसान? नहीं, आज ट्यूशन में पैसे देते हैं वो बात अलग है, फ्री वाला जैसा पहले हुआ करता था तो टीचर का एहसान माना जाएगा ना। मासूमा ने कोई पैसे तो नहीं ले, फ्री में दस दफा एक सवाल का जवाब दिया है पूरी खुशदिली के साथ। वो कहती बीबी आपका एहसान कि आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। बीबी कहती नहीं, तुम्हारा एहसान मुझ पर कि तुमने मुझसे सवाल किया। हैरत तो सबको हो रही है, मासूमा ने हैरत को दूर कर दिया। बीबी फरमाती है सुनो, ये एक बोझ रखा है, इसे ले आना है दूसरी मंजिल पर, भारी बोझ है, 50 किलो की अटैची है, मौलाना की अटैची है ना, हल्की फुल्की तो नहीं होगी, 50 किलो की अटैची है, ईरान से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, अटैची का आलम तो क्या होगा। अच्छा ऊपर जाए कैसे, मौलाना के तो कमर में भी दर्द है, उम्र का भी तकादक, नौजवान को देखा है, बेटा इधर आना, इधर आना, इधर आना। अच्छा 5-6 अटैचियां थी, एक नहीं थी। अब बेचारा फंस गया, मौलाना है कह रहे हैं तो आ गया, क्या बेटा इसको ऊपर ले जाना, उठाया वो बहुत भारी है ये तो। खैर अब मौलाना ने कह दिया है तो किसी न किसी तरीके से उसने ऊपर तक पहुंचा दिया, मगर देखा अभी 4-5 और रखी हुई है, तो वहीं से भूत काट के भाग जाएगा, पलट के आएगा, फ्री में ले जाना, मिलना मिलाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फ्री में ले जाना है, पलट के आएगा, मौका निकलने भाग जाएगा। अच्छा मौलाना उससे कहे बेटा ये अटैची पहुंचा दो, हर अटैची के बदले में $3,00,000 दूंगा, $3,00,000 फ्री में ले जाना, तो भारी हो गई अटैची, अब क्या है एक अटैची का $3,00,000 जिंदगी भर कमाएगा तो इतना नहीं मिलेगा पैसा, अब क्या कर, फौरन झट से उठाया पहुंचा करके अब क्या करेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। मौलाना और भी है,
अटैची वही अटैची है, अब फर्क क्या पड़ गया, वहां अटैची फ्री में ले जा रहा था, हर अटैची के बदले में $3,00,000, क्या अब भी अटैची भारी होगी? आयुष्कलो वाले या खुशी खुशी ले जाएगा? बीवी फरमाती सुनो, तुमने मुझसे सवाल किया, तुम्हारा मैंने जवाब दिया, तुम्हारे हर सवाल के जवाब के बदले में अल्लाह ने मुझे इतना सवाब दिया है, अगर उस सवाब को मोतियों में कन्वर्ट कर दिया जाए, मोतियों का ढेर आसमान तक पहुंच जाएगा, खत्म न होगा। आयुष्कलो आले, आपने मुझसे मजलिस पढ़वाया, मजलिस पढ़वा के लिफाफा, क्या लिफाफे में देंगे? 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, इतनी तो देंगे और क्या देंगे? और हमने अपने सारी मजलिस से लिफाफे के बदले बेच दी। इस मजलिस की कीमत क्या थी? बीबी कह रहे एक सवाल के जवाब में, एक सवाल के जवाब में मुबल्लिगीन अपनी कीमत पहचाने, अपने अमल की कीमत इसे सस्ते में न बेचे। वही जो हदिया रहा करता है उसको हदिये को हदिया रहने दे, उसे कीमत ना बढ़ाए। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो जन्नत में महल खुद बनाना है ना, कैसे बनेगा? नेक आमाल जो यहाँ से जाएंगे। मैं अर्ज किया, आप लोग तो माशाल्लाह अपने लिए जन्नत बना रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, मैं जितना देर पढ़ूंगा उतना ही आपका और बनेगा, लेकिन मैं इतना सखी तो नहीं ना हूं कि आपका बनाता जाऊं। और हमारे लिए क्या, मैंने कहा शायद, क्यों शायद का ताल्लुक हमारी नीयत से है, क्या नीयत लेकर के अभी इस मिंबर पर आया हूं। तो अजीजो हमारे पास दो जिंदगी है, मौत फना नहीं है, मौत असली जिंदगी के आवास का नाम है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम फरमाते हैं, अय्युहन नास इन्ना खुलकना वैयाकुम लिल बका ला लिल फना, ए लोगो अल्लाह ने हमें, हम जो मासूम हैं और तुम जो गुनाहों के पतले हो, हम दोनों को अल्लाह ने पैदा किया है बाकी रहने के लिए, मिट जाने के लिए नहीं। लेकिन मिन दारिन इला दारिन तुनकलून, हाँ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाओगे, मुंतकिल किए जाओगे, या एक जगह रहोगे नहीं। आज यहाँ दुनिया में हो, कल दूसरी दुनिया में, कल आलम बरज़ख में पहुंच जाओगे, वहां से आलम आखिरत की तरफ सफर करना होगा। فَتَزَوَّدُوا لِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ, जहां जाना है वहां की तैयारी कर लो, जहां जाना है वहां की तैयारी कर लो। देखिए बहुत अहम है, फर्ज कीजिए कि अभी आप बनारस में बैठे हुए हैं, गर्म मौसम है, हल्के फुल्के कपड़े आप पहने हैं, अभी आपको मिसाल के तौर पर उस मुल्क में या उस शहर में जाना है जहां शदीद ठंडक पड़ रही है। अरे बगैर तैयारी किए मलमल का कुर्ता पहन के चले गए तो क्या हाल होगा? अच्छा हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है और वहां चाहिए क्या क्या, यही नहीं मालूम हमें। आप भुगत चुका हूं मैं, जहां हमें जो मलमल का कुर्ता लेके जाना चाहिए वहां मोटे मोटे स्वेटर लेके गए थे, जहां मोटे मोटे स्वेटर लेके जाना चाहिए था वहां मलमल का कुर्ता लेके फंस चुका हूं। खैर दुनिया है, यहां तो भीख मांगने से मिल भी जाता है, थोड़ी इज्जत गांव पे लगानी पड़ती है, कोई खास बात नहीं है, मिल जाता है। जहां जाना है वहां कोई भीख देने वाला नहीं है। जो लेके गए कुल्लो नफ्सिन बिमा कसबत रही ना, जो लेके गए वही मिलेगा। मैं यामल मिस्ताल जर्रतिन खैरन यरा, मैं यामल मिस्ताल जर्रतिन शर्रन यरा, अच्छे आमाल हैं उसका बदला मिलेगा, बुरे आमाल हैं उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब तो ये भी तो मालूम करना है कि वहां की तैयारी कैसे, क्या ले जाएं? गफलत में मार ना खाएं भाई, क्या ले जाएं वहां के ऊपर?
अब जो बता दे हमें वहाँ क्या ले जाए, इनसे पूछा, उनका हमें नहीं पता, वो सच कहते वो थोड़ी वहां से हो के आए, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता। अब अगर ऐसा कोई वाकिफकार मिल जाए जो वहां की खबर दे सके, कितना उसके शुक्रगुजार होंगे। हम अहले बैत को बिला वजह थोड़ी उनसे मोहब्बत करते हैं, तो बड़े मतलबी लोग हैं, बिला वजह किसी से मोहब्बत। उन्होंने वहां की खबर दी है जहां की खबर देने वाला कोई नहीं था, वहां के बारे में बताया क्या तैयार। किसी ने पूछा मौला अली से, मौला मलिस्कदा दो लिल मौत, मौत की तैयारी कैसी करे। मौला जवाब में तीन बातें कहते हैं, अदाउल फराइज, वज्तनाब अल महारिम वल इस्तेमाल अल मकारिम। तैयारी वहां के तीन काम करना है, जिन चीजों को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है उन्हें बजा लाओ, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उससे हमेशा दूर रहो, और जो अखलाकी अकदार हैं उनसे अपने को आरास्ता कर लो। अब वक्त खत्म हो चुका है, तशरीह के लिए वक्त नहीं रह चुका है, एक घंटे से ज्यादा मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, और जाहिर सी बात है इससे ज्यादा अब आपका महल बनवाना नहीं है। मैं तफसील फिर कभी इंशाल्लाह अगर आए तो इस मौजू को अर्ज करूंगा। तीन चीजें, वाजिबात की अदायगी, मुहर्रमात से दूरी, अखलाकी अकदार से आरास्तगी। मौला फरमाते इतना काम अगर कल एजन ला योबाली अब वाका अल मौत अलै अम हुआ वका अल मौत, इतना अगर कर लिया फिर मौत का खौफ नहीं है, फिर मौत का डर नहीं। कब मौत आ जाए, आ जाए मौत, डर किस बात का, डर किस बात का। जाहिर से खतरात में कूदने की इस्लाम दावत तो नहीं देता, मगर मौत से डरने की भी जरूरत नहीं है। जहां ये चीज आ जाए, और जिनके यहां ये चीज आ गई, उनके मौत का खौफ खत्म हो गया। रवायत में है, जिस वक्त इमाम हुसैन का काफिला करबला के जानिब जा रहा था, अचानक इमाम हुसैन के दहने अकदस से जुमले निकले, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही ये आवाज शहजादा अली अकबर के कानों में पहुंची है, अली अकबर बाप के करीब आके पूछते, बाबा जुमला तो बरहक है, इस वक्त क्यों? क्योंकि आमतौर से जुमला मौत के वक्त इस्तेमाल किया जाए, बाबा इस वक्त क्यों? इमाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कोई कह रहा है ये काफिला जा रहा है मौत के मुंह में जा रहा है। मौत का लफ्ज सुनने के बाद जनाब अकबर पूछते, बाबा अवा लसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर, बाबा क्या फराइज की अदायगी में कोई कोताही हमसे हुई है, क्या मुहर्रमात से दूरी अख्तियार करने में कोई कमी रह गई है, क्या अखलाकी अकदार से आरास्तगी में हम पीछे हैं? नहीं बेटा, हम हक पर हैं। क्या फरमाया, एजान ला नुबाली बिल मौत। जनाब अली अकबर फरमाते, फिर हमें मौत की परवाह नहीं है। सिर्फ अली अकबर ही नहीं, हुसैन के साथ जो भी करबला में था, चाहे वो 72 जो शहीद हो गए, चाहे वो जो असीर होके कूफा और शाम ले जाए गए, न मर्दों में मौत का खौफ है, न औरतों में मौत का खौफ, हर एक मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। जो खुद मैदान में जा सकते थे वो अपने को मैदान में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और जिनसे जिहाद साकित था वो औरतें जो मैदान में नहीं जा सकती थी वो अपने गोद के पालों को मौत का सबक सिखा रही है। तो सिर्फ अहले बैत अतहार की खवातीन में नहीं है, जहां फरवा कासिम को सबक सिखा रही हैं, ज़ैनब और मोहम्मद को, वहीं मुस्लिम अपने औसजा के ज़ौजा अपने बच्चे को तैयार कर रही है। आशूर के दिन जब मुस्लिम अपने औसजा शहीद होकर के जमीन पर गिरे हैं, एक दफा हुसैन की निगाहों ने क्या देखा, एक बच्चा है जो मक्तल की तरफ जा रहा है।
बच्चा इतना कमसिन है, कमर में बंधी तलवार जमीन पर खत देती जा रही है। इमाम हुसैन ने साहब से कहा, रोको बच्चा, कहां जा रहा है, किसका चश्मो चिराग है। बच्चे को रोका गया, मौला की खिदमत में लाए, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो। कहा, आका इसी बूढ़े सहाबी का बेटा हूं जिसका लाशा आपके सामने पड़ा है, आपकी नुसरत के लिए मैदान में जा रहा हूं। इमाम फरमाते, बेटा खैमे में वापस चले जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी है, तुम्हारी माँ से तुम्हारा गम बर्दाश्त न होगा। बेटा कहता, आका ये तलवार तो अम्मा ही ने मेरी कमर में बांधी है, अभी दोनों में बात हो ही रही थी, एक दफा दर खैमा से आवाज आई, आका मुस्लिम ने अपना हक अदा किया, इसे मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। अजरकुम अल्लाह, करबला की जितनी खवाती जितनी माए हैं, अजब अंदाज है, अजब अंदाज है। असाब शहीद हो चुके हैं, एक दफा जैनब की नजर औनो मोहम्मद पे पड़ी, क्या देखती हैं, औनो मोहम्मद जिंदा और सलामत खड़े हैं। बुलाया दोनों को, बच्चों माँ ने रात में क्या सबक दिया था, भुला दिया माँ का सबक, नहीं अम्मा हमें याद है। कहा, तो कब मैदान में जाओगे, जब कासिम का जनाजा उठ जाएगा तब मैदान में जाओगे, जब अली अकबर का लाशा उठ जाएगा। नहीं अम्मा ये बात नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं मगर क्या करें, मामू जान इजाजत नहीं देते। अजीजो शुहदाए करबला का ये अदब था, ये तहजीब थी। कोई भी करबला का शहीद जोश में आकर के मैदान में नहीं गया, जोश है, जोश अपनी जगह पर, लेकिन जब तक इमाम से इजाजत न मिल गई, एक कदम भी किसी शहीद ने आगे नहीं बढ़ाया, किसी को रोक दिया तो इतराज नहीं। हिरमा नसीबी का एहसास जरूर है, आंसू बहा रहे हैं, एतराज नहीं है। अम्मा मामू जान इजाजत नहीं देते, हाँ अम्मा अगर आप चाहें तो हमें इजाजत मिल सकती है। अम्मा हमने अभी तक यही देखा है कि मामू जान आपकी कोई बात ठुकराते नहीं हैं, आप अगर सिफारिश कर देंगी तो मामू जान हमें इजाजत दे देंगे, ये सुनना था। जैनब ने बच्चों का हाथ पकड़ा, आकर के भाई के सामने खड़ी हो गई, हुसैन ने देखा जैनब आई है, सर उठाया, बहन कैसे आला हुआ। कहा, भैया पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो बहन, भैया आज तक इस बहन ने आपसे कुछ मांगा है? नहीं भैया, नहीं नहीं बहन जैनब, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो भैया आज ये बहन कुछ मांगने आ रही है, भैया इनकार मत कीजिएगा, बोलो जैनब क्या चाहिए। भैया मेरे बच्चों को मक्तल में जाने की इजाजत दे दो। अरे बहन ने मांगा भी तो क्या मांगा। अब जाकर के जैनब को, अब जाकर के औनो मोहम्मद को हुसैन ने इजाजत दी। कासिम को क्या इजाजत आसानी से मिल गई? नहीं अजीजो, जब तक कासिम बाबा का वसीयतनामा लेकर के नहीं आ गए, वरना कासिम कभी हुसैन के हाथों को चूमते थे, कभी पैरों को बोसा देते थे, हुसैन इजाजत नहीं देते थे। हुसैन ने करबला के किसी भी शहीद को पहले मरहले में इजाजत नहीं दी है, सिवाय एक शहीद, वो भी वो शहीद जिससे हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। हुसैन को सारे शहदाए करबला से मोहब्बत थी, हयाता ताजा आए हुए हुर से भी मोहब्बत है, लेकिन एक शहीद है जिससे हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत, वो कौन है? वो हुसैन का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर है। हुसैन को अली अकबर से दोहरी मोहब्बत है, जवान रशीद बेटा भी है
और नाना की शबीह भी है। जब भी नाना की ज़ियारत का शौक होता था, हुसैन अली अकबर के चेहरे को देख लिया करते थे। ये अजीज़ो मक्तल कहता है, जैसे ही अली अकबर आए, इस्ताज़ना, अली अकबर ने हुसैन से इजाजत मांगी, फ़ाज़ना, फौरन इजाजत दे दी। कोई तामुल नहीं, कोई पसो पेश नहीं। हुसैन इतना जरूर कहते, बेटा अली अकबर मक्तल में जाने से पहले फूफी ज़ैनब से इजाजत जरूर ले लेना, क्योंकि ज़ैनब ही ने तुम्हें 18 बरस पाला। अली अकबर रुख्सत आखिर के लिए खैमे में आए। जैसे ही सैदानियों को पता चला कि अली अकबर भी मैदान में जा रहे, सारी बीवियां अपने खैमे से निकल के अली अकबर के खैमे में आती हैं। या अली रहमला गुरबतना, ए अली अकबर, कुछ तो हमारी बेकसी पे रहम खाओ। अली अकबर कहते, बीवियों, अरे मेरा बाबा भी तो यको तनहा रह गया। बीवियां कहते, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। ये आवाज जब जनाबे ज़ैनब के कानों में पहुंची, जनाबे ज़ैनब आई, क्या कहा अली अकबर? मरने जा रहे हो, फूफी ज़ैनब को छोड़े जा रहे हो, फूफी ने तुम्हें 18 बरस के इसी दिन के लिए पाला था। अली अकबर कहते, फूफी अम्मा, बस आखिरी जुमले और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फूफी अम्मा, अगर आप मना कर देंगी तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मगर फूफी अम्मा एक बात याद रखिएगा, कल जब महशर के मैदान में दादी फातिमा आपसे पूछेंगी, ज़ैनब ये बता, तुझे हुसैन याद आती या अली अकबर, तो दादी को क्या जवाब दीजिएगा? ज़ैनब कहती, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। अरे माँ जाए पर से अकबर भी कुर्बान। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। बारेला, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम फराइज़ की अदायगी में, वाजिबात मुहर्रमात से दूरी अख्तियार करने में हमसे कोई कोताही ना हो सके। हमें अखलाकी अकदार से आरास्ता होने की तौफीक करामत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, खुसूसन इस मूजी बीमारी में, उन सब को शफाए कामिले आजला इनायत फरमा। बारेला, जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारेला, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोजगार इनायत फरमा, जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोजगार भाइयों की मदद की तौफीक इनायत फरमा। बारेला, सदके महल बेतहार अलैहिस्सलाम के जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा, जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमा। शियान हैदर कर्रार, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, ज़ायरान सैयदुश्शुहदा, आज़ादारान मज़लूम करबला, जहाँ कहीं भी हों उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारेला, मराजे कराम और रहबरे मुअज़्ज़म इंक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो सकें। बारेला, सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के जनाब शमीम हैदर मरहूम को अपने दामन गुफरान और रहमत में जगह इनायत फरमा। इनके बाज़ मंदगान को सब्र और अज्र इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिह। एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है सूरह फातिहा की बराए जनाब शबीब शमीम हैदर मरहूम इब्ने जनाब शमशीर अली मरहूम के लिए।